बारिश का मौसम है तो भजिया बनना ज़रूरी है। तो आज मैंने बनाए हैं उड़द दाल की भजिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कप उड़द दाल और आधा कप मूंग की दाल भिगो के रखी थी 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे बाद ये पूरी सॉफ्ट हो जाती है। एक ब्लेंडर लिया है, आधी दाल हम ब्लेंडर में अब मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 8 मिर्ची ली है, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने 4 डाली है और थोड़े लहसुन और थोड़ा पानी डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारा पेस्ट कुछ इस तरह होना चाहिए। एक बाउल में निकाल लेंगे। आधी जो दाल बची है उसको भी हम पीस लेंगे। उसमें बाकी बचे हुए हमारे जो मिर्ची है 4 वो डाल देंगे। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया मैंने, थोड़ा पानी, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है दाल का वो पूरी तरह से तैयार है। हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। हमारा जो पेस्ट है कुछ इस तरह होना चाहिए। उसमें मैंने 2 बड़ी प्याज कट करके फाइनली चॉप करके डाली है, और हरा धनिया, और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, और यहाँ पे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा हमारे जो भजिया है उसको क्रिस्पी करेगा। इसको भी पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा बैटर मिक्स हो रहा है तब तक हम पैन गरम करने रख देंगे। हमारा बैटर भी मिक्स हो चुका है और पैन भी गरम हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे स्पून के हेल्प से हमारा भजिया का बैटर। बैटर डालते वक्त हमारा फ्लेम मीडियम होना चाहिए, फिर बैटर डालने के बाद हमारा फ्लेम हाई होना चाहिए। थर्टी सेकेंड के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हो ये इसका कलर चेंज होने लगा है। 1-2 मिनट के बाद हमारी जो भजिया है वो बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारी भजिया बनके तैयार है। हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करो। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ऐसी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए। इसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये मज़ेदार रेसिपी है, और बारिश का मौसम है तो अभी भजिया खाना तो बनता ही है। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं ये। इसको भी हम निकाल लेंगे। भजिए के साथ मैंने यहाँ पे मिर्ची भी फ्राई कर ली थी, हरी मिर्च। उसको मैंने कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। कोकोनट चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप देख सकते हो कितना गर्मा गर्म भजिया, और वो भी चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।